सब्सक्राइब करें रिडिल टू आर्ट चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप वीडियो देख सकें सबसे पहले। पप्पू, मैंने अपने हाथ पर बड़े से गिटार का टैटू बनवाया है। गप्पू, अच्छा। पप्पू, हाँ। गप्पू, फिर तो खुजाने से बचता भी होगा। रास्ते में एक आदमी ने दूसरे आदमी को रोक कर पूछा, भाई साहब, भाभी जी लेफ्टी हैं क्या? दूसरा आदमी, हाँ, पर आपको कैसे पता? पहला आदमी, क्योंकि आपका दायां गाल सूजा हुआ है। पप्पू जब भी कपड़े धोता तभी बारिश हो जाती। एक दिन धूप निकली तो वो खुश हुआ और दुकान पर सर्फ लेने चला गया। वो जैसे ही दुकान पर गया, बादल जोर जोर से गरजने लगे। पप्पू आसमान की ओर मुंह करके बोला, क्या किधर? मैं तो बिस्कुट लेने आया हूँ। शादी के भोज में एक अनजान व्यक्ति को खाते देखकर घरवालों ने पूछा, माफ़ कीजिएगा, क्या आपको निमंत्रण दिया गया था? अनजान व्यक्ति गर्म होते हुए बोला, नहीं दिया तो मेरी गलती है क्या? पापा, बेटा जरा मेरे जूते लाना। बेटा, जूता एक लाना है या दोनों? पापा, ज़रूरत तो दोनों की थी, लेकिन अब तो पहले तू एक ही लेकर आ। पत्नी, बाजार से दूध का एक पैकेट ले आओ। हाँ, अगर बाजार में नींबू देखें तो 6 ले आना। पति 6 पैकेट दूध ले आया। पत्नी, 6 पैकेट दूध? पति, हाँ, 6 पैकेट ही लाया हूँ, क्योंकि बाजार में नींबू दिख गए थे। पिताजी डांटते हुए अपने बेटे से बोले, राजू, तुम्हें फूल तोड़कर लाने को कहा था और तुम पूरी डाली ही तोड़ लाए, जल्दी बोलो क्यों? राजू, पिताजी, वहाँ पर लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, इसलिए मैं डाली सहित तोड़ लाया। पप्पू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। दूसरी बार छोड़कर आया, बिल्ली फिर वापस आ गई। तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़कर आया। वापसी में घर फोन करके पूछा, क्या बिल्ली घर आ गई? जवाब मिला, हाँ। पप्पू, उसको भेजो, यहाँ मैं रास्ता भूल गया हूँ।